एक दिन क्या हुआ कि एक रोड पे आंटी रहती है, तो उनका एक बच्चा निमोनिया के वजह से डेथ कर गया। मैं उनसे गई, मिली, वो अकेले थी, उनका कोई नहीं था। तो मैं उस दिन से अपने इस चीज़ को एक अपना जिंदगी मान लिया कि अब मैं जितना इनका हेल्प कर सकती हूँ, बस मुझे अब यही करना है। बिहार की यह बेटी उठा रही लोगों की सेवा करने का जिम्मा। मिलिए ज्योति कुमारी से, जो साल 2015 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने आई थी, और यहाँ लोगों की तकलीफें करीब से देखकर उन्हें जीवन का एक नया मकसद मिला। मेरा मेन टारगेट होता है जो लेडीज़ होती हैं, जो बेसहारा लेडीज़ हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है लेकिन वो कुछ पता नहीं है कि कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। ज्योति अब तक सड़क पर रहने वाले तकरीबन 100 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा चुकी है। इतना ही नहीं, वह सर्दी, गर्मी और बारिश में अलग अलग अभियान भी चलाती है। पिछले साल उन्होंने ठंड में 1,000 लोगों को गर्म कपड़े दिए थे, और इस गर्मी वह हर दिन तकरीबन 1,000 जरूरतमंद लोगों को फ्रूट किट और 2,000 लोगों तक धूप से बचने के लिए चप्पल भी पहुंचा चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ज्योति यह सब कुछ अपनी खुद की कमाई से करती है। पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस काम को जारी रखने के लिए वो पार्ट टाइम नौकरी भी करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की जिंदगी आसान बनाई जा सके। एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ उनका काम आज सेवा का जुनून फाउंडेशन नाम की संस्था में तब्दील हो चुका है, जिसमें उनके कई दोस्त वॉलंटियर बनकर उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अगर आपको भी पसंद आया ज्योति का यह सेवा का जुनून, तो अपने दिल्ली वाले दोस्तों के साथ अभी शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे एक लड़की का प्रयास ला रहा है बदलाव। ज्योति से सोशल मीडिया से जुड़कर आप भी बन सकते हैं इस अभियान का हिस्सा।